नमस्कार आदाब, गेस्ट हाउस के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं विभोर चौधरी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बहुत अच्छे एक्टर और बहुत ही प्यारे आदमी मिस्टर विक्रम कोचर का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आपको शायद पता नहीं होगा, हमने एक फिल्म साथ में करी है, नॉन स्टॉप धमाल में थे आप। हाँ हाँ जी, है ना जी जी। बस फर्क इतना था, फिल्म में थे, मैं ट्रेलर में था। सच में मैं सीन नहीं हुआ। सीन मेरा एक्चुअली हुआ था लेकिन वो एडिट में कट गया। तो जब मैंने ट्रेलर देखा ना दोबारा, असरानी साहब के पीछे बैठा हूँ कहीं, अनु कपूर साहब के पीछे बैठा हूँ मैं, वो कट गया। फिर मुझे बड़ा दुख हुआ, फिर खुशी हुई कि चलो मैं नहीं तो विक्रम भाई तो है। मेरा भी वैसे ऐसे ही था। आपका भी नहीं आया? आया, लेकिन बस यही था कि अभी कटा कि तभी कट। अच्छा, बच गया मतलब। बच गया। चलो, ये बात कितनी सच है, हमने सुना है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जब डंकी फिल्म में शाहरुख खान के साथ आपका पहला शॉट लगा तो ऐसा हुआ कि आप एक्साइटमेंट में दौड़ के होटल आ गए हो? फिर वहां से कॉल आया, भाई साहब अब तो बचा हुआ है वापस आओ। नहीं, इनफैक्ट शुरुआत का एक शॉट था जी डंकी में, जब हम लोग वो डॉक्टर के डिग्री विग्री लेने जाते हैं। अच्छा, बिगनिंग में। हाँ। तो अब फिल्म में नहीं रहा वो शॉट। सो बेसिकली पहला शॉट वही था कि हम तीनों पहुंच गए, तापसी, मैं और अलिन, हम तीनों बैठे हुए हैं और हमसे बोलते हैं कि भाई ये है नहीं है, वो है नहीं है, वो है नहीं है, तीन चीजें पूछते हैं, फिर बोलते हो जाएगा। एंड वो फाइनली हमसे पैसे अगर इतने जो लेके भाग जाता है वो। हाँ, तो वो तो है फिल्म में सीन। हाँ, उसके बाद फाइनली उसके बाद एक कट था जिसमें वो डॉक्टर की डिग्री मिलती है। अच्छा, वो जब डॉक्टर की डिग्री मिली थी सो अपेरेंटली फिल्म में अस्मिता थिएटर ग्रुप के लोग जो हैं उनको इस्तेमाल किया है फॉर वहाँ के गांव के जो लोग प्ले किया है जिन्होंने, राइट, उसके लिए इन लोगों ने जूनियर्स नहीं मंगवाए, इन्होंने बकायदा थिएटर ग्रुप के एक्टर्स को बुलाया सो दैट दैट स्पेस लुक्स रियल एंड एवरीबॉडी इज एन एक्टर। सो एक तो भरोसा था कि सारे एक्टर हैं तो वो समझेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, विच वॉज अ फैक्ट एंड दे रिस्पॉन्डेड ऑल्सो, तो इट वॉज ईजी टू वर्क विद देम। तो उस अब एक्साइटमेंट इतनी भर चुकी थी कि दौड़ने को कहीं तो मिले। वो डिग्री लेके मुझे बोला कि तुम बहुत खुश हो। मैं बाहर निकला खुश, उसके बाद देखा मैंने लंबा सड़क का कैमरा यहाँ लगाया, मैं भागा, तीन चार, एक की साइकिल गिराई, एक का कुछ उठाया, ट्रक पे जाकर उछल के कुछ फेंका, कुछ किया। सर बोल रहे अरे बस 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 पट जाएगा। तो हाँ, काफी एक्साइटमेंट तो थी और दौड़ा फिल्म में भी दौड़ा, काफी दौड़े आप। शाहरुख खान के साथ आपकी पहली फिल्म डंकी, लेकिन इससे पहले आपको इम्तियाज अली साहब ने हैरी मेट सेजल के लिए भी बुलाया था जी, जिसमें भी आप खूब ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे इम्तियाज अली से मिलके जी। तो जब आप इतने एक्साइटेड हो गए तो आप दौड़े बाहर की तरफ या इम्तियाज अली आपके एक्साइटमेंट देख के वो दौड़ पड़े थे? वो वापस दौड़ लिए। अच्छा, वो दौड़ पड़े कि बहुत ज्यादा बहुत एक्साइटेड है, मुझे नहीं लगता है अपनी एक्साइटमेंट होल्ड कर पाएगा। तो वो मतलब क्यों, मतलब उनको क्यों लगा कि एक्साइटमेंट? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल चॉइस होगा, मैंने बहुत सोचा इस बारे जी, बुरा भी लगा, ऑफ कोर्स लगेगा ना कि आप इतने शाहरुख के साथ फिल्म मिल रही चली गई। हाँ, और वो भी डंकी से कुछ दो तीन साल पहले, काफी पहले, इनफैक्ट मोर देन दैट, और इम्तियाज अली और इम्तियाज अली के साथ रूबरू हो रहे हैं तो आपके मतलब थोड़ा सा तो होगा ना, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू मीट डायरेक्टर्स, इतने बड़े डायरेक्टर्स तो रोज नहीं मिलते हैं, तो एक आध दिन तो होगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, अल्टीमेटली यू विल गेट योर जॉब बींग डन। सो खैर उनसे मैं मिला और उनसे मिलने के बाद मुझे लगा डायरेक्टर के पास दो लोगों के बीच में चॉइस थी, चंदन भाई के, चंदन रॉय सान्याल और मेरे बीच में, एंड चोज वन, सो इट्स कम्प्लीटली फेयर। बट मैं वहाँ तक पहुँचा थैंक्स टू मुकेश सर, मुकेश छाबड़ा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे पेडिस्ट्रियन पे बार बार पहुंचा, एटलीस्ट कम से कम वहां तक पहुंचने का मौका तो दिया, क्रैक हुआ नहीं हुआ? बहुत बार, एक बार नहीं। वो आपको फिल्म नहीं मिली, आपके दोस्त को मिली, तो जब डंकी कर ली आपने और रिलीज डेट आ गई, इम्तियाज अली को फोन करा कि सर कर ली है देख लेना जरा, मतलब गुड जेस्चर ना? नहीं, मैं इनफैक्ट मैं ये भी सोच रहा था शायद, क्योंकि उस समय इनकी ये चमकीला, तो मैं चमकीला के लिए भी शायद थोड़ा बहुत कंसिडर किया जा रहा था। अच्छा, बहुत प्यारी पिक्चर, बहुत प्यारी पिक्चर है, एंड मुझे लगा कि शायद मेरे को चांस मिले, लेकिन नहीं मिला। शायद वही है कि यू हैव टू ग्रो एज एन एक्टर, एंड मेरे ख्याल से उम्र के साथ साथ काम करते करते थोड़ी संजीदगी आती है, और बहुत सारे डायरेक्टर्स आपके अंदर संजीदगी ढूंढते हैं। इम्तियाज अली जी के बारे में शायद मेरी रीडिंग ये, मतलब मैं शायद ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मेरी रीडिंग है ये, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर मेरे हिसाब से वो एक्टर्स में संजीदगी ढूंढते हैं, काफी ढूंढते हैं,
संजीदा होना और एक्साइटेड होना दोनों में फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है, और अगर ये दोनों चीजें हों तो ये रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है। बट एक्साइटमेंट संजीदगी की दुश्मन भी है, लेकिन अगर आप वही है ना कि अच्छे एक्टर विद इंटरेस्ट हो जाए तो वो रेयरेस्ट चीज है टू हैपन। उसी तरीके से अगर आप संजीदा होते हुए भी एक्साइटमेंट को कंटेन कर सकते हैं, बट वो बैलेंस बहुत मुश्किल है। वो अगर आप ज्यादा एक्साइटेड हैं तो लोग सोचते हैं संजीदा नहीं होगा, कि मुझे डंकी करते समय थोड़ा समझ में आया है ना, क्योंकि शुरुआत में ना ऐसा था अंदर से सब कुछ। धीरे धीरे जब आपने 2 साल 2.5 साल फिल्म के साथ बिताए और आप रोज उन लोगों से मिलने लगे तो आपको नॉर्मलाइज हुई चीज होंगी। तो शाहरुख खान के तो बारे में हमने सुना कि वो बहुत कंफर्ट करा देते हैं वो, है ना, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो जो एक्साइटमेंट है उनकी वजह से भी उन्होंने थोड़ा सा डाउन किया उसको, नॉर्मल करा ना कि यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। आप इम्तियाज अली साहब की बात बता रहे, उनका कुछ औरा भी ऐसा ही वो लगते हैं सूफी आदमी से ना, बल्ला मिल, मैं मिला था उनसे, मैं हाथ मिला के कह रहा, मैंने कहा इस आदमी को मैं क्या कहूँ, मैं भी एक्साइटेड था तो मैंने बस फोटो लिया, मैंने कहा सर मैं राइटर हूँ, अरे आइए आप ऑफिस, हमें तो अच्छे राइटर की जरूरत है। फिर मैंने कहा यार मैं दोबारा जाऊंगा क्या बोलूंगा। बहुत लेजेंड आदमी इम्तियाज अली साहब के लिए दर्द। एक अभी शाहरुख खान का जिक्र आया और आपके एक्साइटमेंट की और दौड़ने वाली बात, डंकी फिल्म में एक सीन है जब आप लंदन पहुंचते हैं फर्स्ट टाइम और आप एक अंग्रेज से कंफर्म करते हैं कि लंदन ही है क्या, तो आप बड़े खुश होते हैं सभी लोग, तो शाहरुख भाई आपको गले लगा लेते हैं, तो वो गले लगाना स्क्रिप्ट में था या उनको लगा यार ये ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए लंदन आने खुशी में और भाग के स्कॉटलैंड ना निकल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं था पता चलो स्कॉटलैंड निकल गया एक्साइटेड हो गया। मेरे ख्याल से वो एक सीन ऐसा था जहां शाहरुख सर ने मुझे कहा कि क्या काम किया, मेरे को बुखार था बहुत ज्यादा, मैं 103 के आसपास का बुखार था और वहां पर कुछ 40 डिग्री टेम्परेचर था जहां पर हम शूट कर रहे थे, हीट वेव थी उस दौरान और बाप रे यूरोप में और लंदन में, तो ये यूरोप में शूट किया था हमने बुडापेस्ट में, बुडापेस्ट के मेडोज में, उस दिन हीट वेव मतलब लू चल रही थी। हाँ तो लंदन में भी लू चलती है क्या? एग्जैक्टली ये लंदन में बहुत वैसा हो गया था, न्यूज में ये चल रहा था कि भाई धूप में मत निकलो हार्ट अटैक से मर जाओगे, तो देवर पीपल वर बीइंग टोल्ड कि डू नॉट गो आउट, सो वी वर लाइक 40 डिग्री तो है यार ये तो हम रोज चलते हैं उसका हिसाब किताब है, पर उनका रनवे वनवे भी पिघल गया था। ओ माय गॉड, बिकॉज वो कोल्ड वेदर है तो उनकी जितनी भी चीजें वहाँ पर बनती हैं वो उस वेदर के हिसाब से बनती हैं, उनको आदत भी नहीं है गर्मी का, उनको इतना आदत नहीं है और उनके लिए गर्मी सडनली 40 डिग्रीज इज टू मच, वेरी मच लाइक दैट। तो उस बीमारी में मतलब इतना बुखार था कि मैं शॉट देके अरे बाप छाता लेके वहीं पर ड्लूप करके लेट जाता था, घास ही थी। तो जब ये वाला सीन हुआ तो एक्चुअली मुझे भी इंटरनली होता ना एक अंदर भी आपको पता चल जाता है सीन अच्छा करके कि आपको अंदर से महसूस होता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, इट्स लाइक यार यस मैं पहुंच गया। और वो वैसा था कि यार कि मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो शाहरुख सर को भी ऐसा हो गया कि क्या कर रहा है ये भागेगा आयरलैंड या स्कॉटलैंड भाई, तो उन्होंने उस समय एक्चुअली मैं गले लगा दिया इन द सीन और उसके बाद भी बोला कि वाह बेटा क्या सीन दिया। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही सेड वाह पूरी फिल्म में तब। अच्छा शाहरुख भाई है ऐसे हग वग देते हैं अच्छा काम करो, ये वो दुबई मुंबई का परफ्यूम लगाते इसलिए जानबूझ के हग देते हैं वो? नहीं नहीं इज अ वेरी लवेबल गाय, वो सबको बहुत ही प्यार से सबको गले मिलके, एंड आई थिंक प्यार ना उनका दिल जो है वो चूमते भी हैं गले लगा के, है ना, यस उनका ही इज फुल ऑफ हार्ट। क्या बात, एक बार शाहरुख भाई के लिए तालियां बजाएं, ऐसे लोग उन्हें किंग खान नहीं कहते हैं ना, वो है उतना दिल के राजा है और आपको राजा फील कराते हैं। क्या बात है, क्या बात है, खैर शाहरुख भाई तो ही है। आप बताइए आप उनसे मिलने जाते हैं अगर तो हमेशा आपको गेट तक छोड़ने आएंगे? क्या बात, इतने बड़े स्टार को? नहीं सर मैं एक बार गया था मन्नत, मुझे गार्ड छोड़ने आया कि गेट से दूर रहे क्योंकि शाहरुख भाई से तो मुलाकात हुई नहीं। आप तो चले गए मन्नत 2-3 बार। अच्छा जब आप मन्नत चले गए तो 2-3 बार तो आपके किसी दोस्त ने कहा नहीं यार आपकी तो डायरेक्ट रिलेशन है शाहरुख भाई से, डायरेक्ट तो मिला नहीं सकते डंकी लगवा दो? तो जब फिल्म रिलीज होगी और कॉन्सेप्ट लोगों को पता चल गया कि भाई आपकी टीम डंकी मार के लंदन जा रही, तो किसी दलाल का कॉल आया आपके पास कि विक्रम भाई रूट हमें भी बता दो यार 10-12 बंदे लंदन भेजने हैं, अपना कमीशन ले लेना उसमें क्या है? नहीं हमारा तो वही था ना कि हम वापस नहीं आ सकते थे। अच्छा आपको तो वन वे था? वन वे था, और वो वापस आने का जब हम लोग लड़ रहे थे एम्बेसी से, हम लोग को उसका
वीजा ही तो नहीं लग रहा था, तभी तो डंकी मार के वापस आने लगा कि इंडिया का वीजा नहीं लग रहा है। अच्छा, आप गए भी डंकी मार के, आए भी डंकी मार के, सीधा रास्ता नहीं लेते आप हैं। पर क्या आपने ना सर, वो जो यंग वाला है, बुग्गू वाला कैरेक्टर, वो तो कमाल कराई, जो बुजुर्ग वाला करा है, क्या कमाल करा यार, बहुत कमाल, बहुत कमाल। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नॉन सरदार बंदे को इतना प्यारा नहीं देखा, अदरवाइज वो थोड़ा सा पता चल जाता है। और आपका वो वाला सीन तो बहुत अच्छा है कि मैं दादी की कसम खा के कहता हूँ मैं लंदन नहीं जाऊंगा, अगला सीन में कट्टू दादी कंधे पे है। वो राजू सर की एडिटिंग है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ही, वो एडिटर ही थे बेसिकली पहले, बढ़िया एकदम से मैच कट किया उस चीज को। एडिटर तो अच्छे थे, और मुझे लगता है एडिटर बहुत सेंसिबल है, अगर वो एडिटर राइटर बन जाए तो बहुत खतरनाक होगा, और वो ही राजकुमार सर के साथ हुआ है ना। यस। तो सर डंकी में तो आप डंकी मार के गए ही, वहां 12th क्लास में आप फेल हो गए थे, राइट? यस सर, आई गॉट अ कंपार्टमेंट। फिर आपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए थिएटर का सहारा लिया। यस। यानी कि डंकी मारने का शुरू से शौक है आपको। हाँ, सोचा कि अब क्या, अब जब कुछ नहीं बचा तो आदमी आश्रय ढूंढता है। तो हाँ, तो वहां भी डंकी मारी आपने, डंकी मार। है ना, पहले ही मार ली, रगों में डंकी थी, रगों में डंकी थी, क्या बात है। पर बढ़िया राजू भी करा आपने, बहुत अच्छा करा। एक मूवमेंट है सर, कर लेते हैं, आप हरियाणा से हैं, गुड़गांव से ना? हाँ, गुड़गांव से हूँ, हरियाणवी नहीं हूँ, पर गुड़गांव में मेरा घर है, बट फिर भी हरियाणा, हम मतलब वोटर आईडी मेरा हरियाणा का बना, भाई आधार कार्ड तो आपका हरियाणा का ही होगा, अब बॉम्बे का हो गया, अब बॉम्बे का हो गया, पर गुड़गांव मतलब हरियाणा जी, हमें नहीं पता सर। हमारा एक मूवमेंट है, कुछ हिंदी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आपको हरियाणवी में कन्वर्ट करके, अरे अरे ये डिफिकल्ट है मेरे, नहीं भले आप खराब अच्छा जो भी करेंगे, जैसा भी आपको ठीक है, क्योंकि इतने साल हरियाणा में रहे हैं आप, ठीक है। पहला डायलॉग है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये मुझे हरियाणवी एक्सेंट है, पंजाबी से बुलवा लो, पंजाबी बोल दो, हूं तो पंजाबी है। अब ये पंजाबी में करना है सर आपको, आप पंजाबी में बोलिए, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो डॉन का इंतजार ना 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, पर डॉन नु फड़ना ना और मुश्किल नहीं आएगा, नामुमकिन है। क्या क्या बात है, अब अगर पंजाबी में डॉन बनी तो आप ही करेंगे सर वो। चलो नेक्स्ट डायलॉग, ये मजदूर का हाथ कातिया लोहे को पिंगलाकर उसका आकार बदल देता है, तू क्या चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? ए मजदूर दा हाथ है का, तात्या, कातिया, कातिया, ए मजदूर दा हाथ है का, कातिया, लोहे क्या है, लोहे को पिंगलाकर उसका आकार बदल देता है, ए मजदूर दा हाथ है का, काक्या, काक्या नहीं, कातिया, कातिया यार तेरी जेड़ा भी है, कोई नहीं कोई नहीं, पंजाबी में चलेगा चलेगा, ये मजदूर मजदूर दा हाथ है, जूत जेड़ा भी है, कातिया, तात्या, कातिया, जो भी है तू, ए ना लोहे नु पिघला के की बना देता, उसका आकार बदल देता है, ए लोहे नु पिघला के ना उसका कार जेड़ा है ना वो सारा डैमेज कर देता है, दसया मैं बस, हुण तू की चाहंदा है, की करना, मैं तेरे यहां कुत्ता बन गया, हुण तू की चाहंदा है मैं कुत्ता बन गया, है साड़ा कुत्ता कुत्ता तड़ा करता तो नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक हम सब के फेवरेट शाहरुख खान साहब, देवदास का डायलॉग है, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, केड़ा कमबख्त माए जन्मया है। कि बर्दाश्त करता है बंदा, बह के आराम नाल बर्दाश्त किया जाए, मतलब तेन बर्दाश्त करता रहा मैं सारी जिंदगी है, केड़ा माए गंदा आदमी जिंदा है इस वेलिए है, फिर बस और क्या है आगे, और ये है कि तो हम तो पीते हैं ताकि यहाँ पीते हैं बैठ सके, तुम्हें देख सके, बर्दाश्त कर सके, ओए साडा पैग बंदा है ताकि तनु असी देख सके, आहा कि तनु मैं बर्दाश्त कर सका, क्या बात, बहुत बड़ी खोते दा सॉरी नहीं 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 बहुत बढ़िया। एक और है सर जी, एक ये है कि एक पाकिस्तान फिल्म का डायलॉग है ना, आप राजकुमार साहब का, आपके पांव देखे बहुत खूबसूरत है, इन्हें जमीन पर मत रखे मैले हो जाएंगे, पंजाबी में बोलना तुहाडे पांव रखे मैं एनु जमीन ते ना रखी हैं, हैं गंदे हो जाने, क्या बात है क्या बात है।
और की कह सकते नहीं, नहीं, नहीं बढ़िया हो रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ऑडियंस आपको। एक और है, चप्पल पाले एक और है सर लास्ट, शाहरुख खान साहब का ये, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार होता है, कुछ कुछ होता है सिमरन, अच्छा कुछ कुछ होता है अंजलि तुम नहीं समझोगी, असी एक बार जींदे ने ते एक बार मरते ने, प्यार भी सानू एक बार ही होंदा है, तो कद की कहंदे नु माड़ा माड़ा जे कुछ होंदा है ठीक है निक्का निक्का समझ नहीं आना, निक्का निक्का तानू समझ नहीं आना सिमरन, चल पर बहुत बढ़िया यार, पहली हो गया एक बार जोरदार, उसके बाद बोला गुआची कहाँ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये मजा आया मूवमेंट में, हमें भी बहुत मजा आया, हमें भी आया। अच्छा सर आपने केसरी में अक्षय कुमार साहब के साथ काम करा, बहुत बढ़िया पिक्चर थी, आपका रोल भी बढ़िया था, लेकिन केसरी फिल्म करने से पहले आपने अक्षय कुमार साहब के साथ एक ऐड करा था है ना, तो क्या आप अक्षय कुमार को चेक कर रहे थे कि ऐड में एक्टिंग सही करेंगे तभी करूंगा पिक्चर या कोई और बात थी? अरे नहीं मेरे को तो खैर हमको तो मौका मिला यार, अक्षय कुमार के साथ ऐड मिल रहा तो हमको लगता है हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी बिकॉज उनका ऐड तो देखा जाएगा, और इंटरेस्टिंग ऐड था काफी, बड़ी फिर विजिबिलिटी बड़ी, ऑफ कोर्स थोड़ी बढ़ती है बिकॉज आपको एजेंसी वाले अगर किसी स्टार के साथ एक मेजर रोल में कास्ट कर रहे हैं तो थोड़ी तो इज्जत देते हैं, बिल्कुल, और ऐड में पैसा भी अच्छा है, ऐड में पैसा ही है है ना, इज्जत थोड़ी कम हो लेकिन पैसा बहुत है, मतलब पैसा इन द सेंस कि समटाइम्स आई हैव आल्सो फील कि ऐड की वजह से ना बहुत सारे फिल्म मेकर्स आल्सो दे डू नॉट वांट टू टच यू इफ यू डू वेरी मच सो मेनी ऐड, बहुत सारे ऐड्स करो तो दे डोंट टच यू मच बिकॉज़ आप एक्सपोज ज्यादा हो जाते हो, ये भी है, और आपको इतनी बार लोगों ने देखा है तो आपकी एक्सक्लूसिविटी नहीं रहती, प्लस ये है कि ऐड ऐड को डिमिनिश नहीं कर रहा हूँ, ऐड का एक अलग फॉर्म ऑफ एक्टिंग है और वो आपको 30 seconds, 45 seconds इसके अंदर ही वो मोमेंट प्ले करके निकल जाना है, सो इनफैक्ट आफ्टर अ पॉइंट मैं एड्स के लिए भी काफ़ी सिलेक्टिव हुआ पर्सनली, क्योंकि अब मेरे जितने भी आप एड्स उठा के देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ क्वक होगा, कुछ ऐसा ऐड होगा कि कुछ तो कर रहा है आदमी, तो वो ज़रूरी है, बाकी हाँ मज़ा आया अक्षय कुमार के साथ काम करके, हाँ तो वैसे ही है विटी, अबे क्या कर रहा है क्यों उठा करा है, हाँ हाँ he's very witty, हाँ उनका यही है कि तुम्हारी टांग खींच के ही बात करेंगे एंड आपको दोस्त आप उससे ऑफेंड हो जाओगे तो ये आपकी प्रॉब्लम है भाई, हाँ तो वो थोड़ा ही ना डरेंगे आप ऑफेंड होते रहो पर वो मजाक ही है, हाँ वो है, मतलब आपसे भी बात कर रहा हूँ, आप 10 चीजें मुझसे बात कर रहे हो कुछ मजाक में भी कह रहे हो बट यू रियली मीन दैट, नहीं ना, तो वो टोनालिटी से समझ, पंजाबी आदमी पंजाब में तो बात भी ऐसी होती है, पंजाब का तो फोक फॉर्म भी वही है जहाँ पर वो चप्पल मार मार के बात कराते रहते हैं तमाशा, तो वो तो कल्चर का पार्ट है, तो आप वो अगर पंजाबी कल्चर समझ में आता है तो आई थिंक एंड अक्षय बाजी तो इस और कॉमिक टाइमिंग भी उनकी बहुत अच्छी कमाल है, कमाल है, गिफ्टेड है, मुझे कॉमेडी रोल में वो बहुत अच्छा लगता है, वो गिफ्टेड है, वो नेचुरली वैसे है, वो नॉर्मल बात होगी अच्छा तू कर रहा है रोल और बता हो गया तैयारी चल कर रोल कर, चल कर क्या करेगा, दिखा दे रहा क्या कर रहा है कितने तो ऐड है उनके, बोला ऐड कितना बढ़िया जो बोलते बटन खुला है आपका बटनों वटनों पे तो आपका ध्यान रहता ही है विक्रम भाई अक्षय कुमार साहब के लिए एक बार मेरे ख्याल से 30-35 साल से इंडस्ट्री में है एंड फिट है, फिट है क्या बात, वेरी फिट। अच्छा विक्रम भाई ये बताओ ज्यादातर पिक्चरों में तो आप गुंडे मवाली गैंगस्टर ये बने हो, आश्रम जो सीरीज आई थी उसमें आप पुलिस वाले बने हैं है ना, इकलौती सीरीज है तो वो गलती डायरेक्टर से हुई या आपसे हुई? नहीं एक्चुअली प्रकाश सर ने ये देखी थी केसरी, अच्छा, और केसरी देखने के बाद उन्होंने बुलवाया था कि मैंने केसरी देखी मुझे तुम्हारा रोल बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर भी एक ऐसी सादगी भरा एक रोल है सिंसियर, नाम भी साधु ही है, तो मैंने जैसे वो राइटर तो सिंबॉलिक लिखते ही है ना, और प्रकाश झा जी तो वैसे ही वो काफ़ी सिंबॉलिक चीज़ें लिखते रहे हैं, तो मैंने जैसे नाम पढ़ा साधु, मैंने ओके ठीक है आपको सीड लाइन मिल गया आपके कैरेक्टर का, यू हैव टू बी लाइक साधु तभी आपका नाम साधु है, सो साधु जो कि एक नॉर्मल आदमी है अंदर से साधु है स्ट्रेट सीधा और सच बोलने वाला, सो ही इज़ लाइक अ मिरर टू दी कैरेक्टर, सीधा इंटरप्रिटेशन निकाला वही प्ले किया सिंपल रोल। अच्छा मैं आपने लॉर्ड बॉबी देओल के साथ काम करा आश्रम में है ना,
मैं जब उनसे मिला था वो मुझे बड़े शाही से लगे, बहुत ऐसे ऐसे। तो वो सच में शाही है या पार्टी वार्टी करके वो हाई भी हो जाते हैं कभी? नहीं, ही इज वेरी स्वीट। वो सी पार्टी तो करते होंगे, पार्टी करते हैं, मतलब हु डजंट। आपने करी? हाँ, सब ने करी। मतलब होता ही है ना कि आपको ब्रेक मिला है तो आप सब लोग बैठ के बातें करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जिसको थोड़ा ड्रिंक करना है वो ड्रिंक करेगा, जिसको खाना खाना है वो खाना खाएगा, नाच गाना करेगा। पर आपको तो दारू सिगरेट सूट नहीं करती ना? नहीं। तो उसके साथ पार्टी कैसे करी? बैठ के, अच्छा, बातें करके, जोक्स मार के, उनकी बातों पर हंस के। एंड एक बार उन्होंने जबरदस्ती हल्की सी बोला भी था, मतलब ऐसे पंजाबी, कैसा पंजाबी पीता नहीं तू? मैंने नहीं होता। तो एक बार पिला भी दिया था उन्होंने, पानी है पानी पी ले। अच्छा, एक सांस में पी जा। तो पिए जाके सीधा जैसे घर वाले कड़वी दवाई पिलाते ना, नाक पकड़ ले, पीजा बेटा पीजा पीजा पीजा, ऐसे पिला दिया आपने। तो आपने उनसे कहा नहीं बॉबी भाई से कि जी जब दारू पिलानी हो तब हमें बुला रहे हो, जब लड़कियों को लड्डू खिला रहे हो अकेले अकेले खिला रहे हो? बोला उस टाइम पे भी बुलाओ कभी? नहीं, कभी नहीं कहा। अच्छा। कभी नहीं कहा। अच्छा, सेक्रेड गेम में आप नवाजुद्दीन के इतने अच्छे दोस्त बने जी, वो कोई भी काम करने जा रहे हैं आपने उनका हमेशा साथ दिया, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो अपने जब पहले गुरु को मानते कहते हैं मैं अपने पहले बाप को मार रहा हूँ, जब वो तालाब में मारते पीटते हैं ना, तो आपने उनका वहां भी साथ दिया था। लेकिन जब पंकज त्रिपाठी गणेश गायतोंडे को तालाब में ले जाके आलिंगन देते हैं और गणेश के दोनों तोंडे सुझा देते हैं, तब नवाज भाई ने कहा कि यार यहाँ क्यों नहीं साथ दिया? मुझे बताया नहीं, ये लोग साउथ अफ्रीका जाके शूट कर रहे थे। अच्छा, साउथ अफ्रीका में? मतलब हाँ, मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में। तो आपको नहीं लेके वहां, आपसे बॉम्बे वाला ही करा लिया, हमें कीनिया ले गए। तो केनिया में तो साउथ अफ्रीका में ही है। हाँ, वो साउथ अफ्रीका आगे है केनिया। अच्छा, मेरे ख्याल से भी ईस्ट में पड़ेगा केनिया, है अफ्रीका, अफ्रीका में ना। साउथ अफ्रीका खूबसूरत है, तो साउथ अफ्रीका काफी। पंकज जी आलिंगन में आओ, नवाज तुम्हें आलिंगन में लेते हैं। तुम बंबई पर राज करोगे गणेश? आपने कहा मुझे राज नहीं करना है। खैर, मैं मेरा सवाल है कि जब इंसान सफल हो जाता ना, आज आप एक सक्सेसफुल एक्टर है, लोग जानते हैं आपके काम की तारीफ हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्कूल वाले बड़ा प्राउड फील करते हैं कि ये बच्चा हमारे स्कूल से पढ़ा है। हॉल ऑफ फेम में उसका फोटो लगाते हैं, चीफ गेस्ट बुलाते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, देखो हमारे स्कूल से पढ़ा है। लेकिन अगर हम आपकी फिल्में देखें तो छीना झपटी, लूटपाट, गुंडागर्दी, आपने ये सब करा है अपनी फिल्मों में। कभी स्कूल से फोन आया कि बेटा विक्रम प्लीज हमारे स्कूल का नाम मत बताना, अगर कोई पूछे तो बच्चों पर गलत असर पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा। इनफैक्ट स्कूल से भी एक आध बारी कभी कांटेक्ट करने की कोशिश हुई कि रीयूनियन के लिए आ जाएं, कुछ आ जाएं, पर बॉम्बे की मसरूफियत आप समझते ही हैं कि यहाँ पर एक बारी आदमी फंसता है तो फंसता चला जाता है, बिकॉज एक काम से दूसरा काम बनता है, दूसरे से तीसरा। तो वापस जाना भी नहीं हुआ, ना ही वो डायलॉग इतना बड़ा जहाँ पर वो मुझसे कंप्लेंट करते। अच्छा सर, अगर हम आपकी फिल्मोग्राफी देखें, आपके कैरेक्टर देखें, रक्तांचल में भी आप गोलीबारी कर रहे हैं, गुंडागर्दी जी, सेक्रेड गेम में भी आप गुंडागर्दी कर रहे हैं जी, और तो और इसमें अभी भी आपकी रिसेंटली फिल्म आई है डंकी, उसमें भी आप गलत तरीके से लंदन जा रहे हैं। तो आपने सच में एक्टिंग की ट्रेनिंग दिल्ली से ली थी या चंबल से ली आपने? इनफैक्ट शुरुआत से एक चीज रही है कि मेरे टीचर्स हमेशा घर पे एक चीज बोलते थे, दैट ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट नॉटी। अच्छा, तो बहुत नॉटी है। सो वो नॉटीनेस जो है वो शायद जीवन में है, मेरी जिंदगी का लिविंग स्टाइल में है, मैं कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता हूँ, इसलिए ऑडिशन के टाइम पे भी या कहीं कुछ रोल्स भी अगर आते हैं तो आई थिंक आपकी पर्सनैलिटी का एक शेड ना वो लोग आपको पकड़ते हैं। अगर आपका भी एक किरदार है जी, तो कोई भी कास्टिंग वाला भी होगा ना, वो मिलेगा तो आपसे ही ना, और जब आपसे मिलेगा तो आपकी हरकतें पकड़ेगा। अब छोटी छोटी हरकतें जो आप जीवन में करते हैं उसके बेसिस पे आपको रोल भी कास्ट करता है, तो इससे तो फर्क तो पड़ता। मतलब आपने बड़ी सफाई से सारा ब्लेम कास्टिंग वाले के ऊपर डाल दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ शैतान हूँ, बाकी वो कर रहे हैं, भगवान के ऊपर डाल दिया, भगवान ने ऐसा बोला है। लेकिन सर आपने तो बोल दिया कि भाई कैरेक्टर की डिमांड थी या डायरेक्टर की डिमांड थी रक्तांचल में या किसी में भी, जिसमें आप उस लड़की से डायरेक्ट पूछ ले रहे, चलो ये बात हमने मान ली आपकी जी। लेकिन मिली फिल्म जो आई आपकी उसमें तो आप विलन भी नहीं थे। हाँ। एक उसके फूड कोर्ट के मैनेजर थे, फिर भी आपने जानवी कपूर को उसमें बंद कर दिया फ्रीजर में। मतलब काम विलन वाले ही वहां कहीं ऐसा ये आपसे गलती से हुआ या आपकी स्वागरात नहीं बन रही थी उसके फर्स्ट स्टेशन में कर पिक्चर में?
ये राइटर वाला क्वेश्चन है, ये राइटर से पूछना चाहिए हमको तो मिलता है और हमको मिलता है अच्छा आपका सोर्स क्या है, आपका फ्रस्ट्रेशन का सोर्स क्या है। तो फ्रस्ट्रेशन का सोर्स ये है कि उन्होंने डायरेक्टर ने मुझे बताया था कि आपके फ्रस्ट्रेशन का सोर्स ये है, जो कि हम फिल्म में एट ए पॉइंट हिंट पे भी दिखाते हैं, वाइफ को कभी नहीं दिखाया, कभी नहीं दिखाया। सो ही मेड इट अ पॉइंट, ही टोल्ड मी कि आपकी वाइफ को कभी नहीं दिखाया पर आपकी वाइफ दिखनी चाहिए कहीं, तो मुझे ऐसा सीन के थ्रू, सीन के थ्रू कहीं तो मुझे ऐसा दिख जाना चाहिए कि इसकी वाइफ है जिससे ये बहुत क्लोज होना चाहता है, बट देर इज़ नथिंग विच इज़ बिटवीन, फिजिकली उन दोनों के बीच में कुछ है नहीं, जिसकी फ्रस्ट्रेशन ये सोशली तो नहीं निकालता बट सिम्बॉलिकली निकलती है, एंड दैट इज़ वाई हिज नेचर इज़ खड़ूस। तो इसीलिए आपको कल शब्द से नफरत हो जाती है, yes. क्योंकि आपकी वाइफ आपको कल पे डाल रही होती है, yes. तो जो भी एम्प्लॉय कल बोलता है आप उसका कॉलर ही पकड़ते हो सीधा, हाँ, कि क्या बोला तूने, खबरदार जो कल का नाम से कल सुन रहा हूं। अच्छा विक्रम भाई, इस फिल्म में आपकी वाइफ आपको कल कल पे डाल रही है सुहागरात के लिए, तो जब पिक्चर खत्म होगी, पिक्चर का क्लाइमैक्स हो गया, तो आपने डायरेक्टर से कहा नहीं भाई आपकी फिल्म का तो क्लाइमैक्स हो गया, मेरा तो हुआ ही नहीं यार, मेरा भी तो कराओ? नहीं नहीं, आई एम मैरिड, आई एम हैप्पी। नहीं अच्छा, फिल्म की बात कर रहे हैं आप ये? वैसे नहीं, ये तो रियल लाइफ की बात है, बाकी नहीं मैंने डायरेक्टर से, ये डायरेक्टर ने कहा कि भाई इसमें नहीं कराया, रुक जाओ पार्ट टू बनाएंगे तब करा देंगे। अच्छा सर, आप एनएसडी से पास आउट हैं, तो जैसा पुलिस वालों में स्टाफ चलता है, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की गाड़ी रोक ले तो स्टाफ बोल के निकल जाता है, तो जब एनएसडी से पास आउट थे आप, तो यहाँ मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे, किसी कास्टिंग वाले के पास जाते थे तो गार्ड को स्टाफ बोल दे छोड़ देता था या पकड़ देता था वो? यानी यहाँ स्टाफ नहीं चलता? नहीं, थोड़ा सा तो पकड़ता ही है। अच्छा, क्योंकि बॉम्बे में थोड़ा फायदा होता है जी एनएसडी बोलने की वजह से, कि कास्टिंग डायरेक्टर या उनके असिस्टेंट्स एटलीस्ट दिमाग में ये जरूर लेते हैं कि ये ट्रेंड है, तो इसे एक्टिंग पता है, तो इसे पता होगी, तो इससे एक लेवल की एक्सपेक्टेशन तो हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे थ्योरीज नहीं पता होंगी, इसे ये नहीं पता है कि रिएक्शन क्या होता है, इसे ये नहीं पता कि रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं जी। तो रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि इस काम को लेकर ये रिस्पॉन्सिबल तो होगा और इस काम को करने के लिए आया है, ना कि हवाबाजी से अट्रैक्ट होकर आया है जी। तो वो जो डायसेक्शन है जो इंसान में शायद सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढने की कोशिश करता है कि भाई तुम सिर्फ ग्लैमर और ग्लिटर से अट्रैक्ट होकर आए हो या सही में एक्टिंग करने के लिए आए हो, एनएसडी उनको पता लगने के बाद इसका डिफरेंस थोड़ा सा मिल जाता है कि ये बंदा एक्टिंग करने ही आया है, तो उससे एक्टिंग वाले जॉब्स करवा सकते हैं। सो एक सीढ़ी आसान हो जाती है, आप FTI से हों, आप ड्रामा स्कूल से हों, आप MPSD से हों, आप BNA से हों या NSD से हों, जिस भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं, तो उससे एटलीस्ट एक क्लैरिटी मिलती है कि आप अपने प्रोफेशन के लिए थोड़े तो सीरियस हैं जिसके लिए आपने ट्रेनिंग ली। मेरा कहना ये नहीं है कि जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेते वो सीरियस नहीं है, पर ये डिमार्केशन करना थोड़ा सा समय लेगा, बिकॉज मुझे आपको जानना पड़ेगा मैं किस बेसिस पे ये डिवीजन करूँ ना, एंड देर आर ब्रिलियंट एक्टर्स हु आर नॉट ट्रेंड एंड वेरी ब्रिलियंट एक्टर्स, हमें भी सीखने को मिलता। खैर, आपने NSD का जिक्र करा, FTII का जिक्र करा, तो हमने सुना कि इन दोनों इंस्टीट्यूट में एक ही साल आपका नंबर आ गया था, तो आपने कैसे डिसाइड करा कि यार मुझे FTII जाना है या NSD जाना है? FTII में मुझे सिनेमेटोग्राफी 2 years वाला जो कोर्स है जी, उसके लिए मेरा रिटन क्लियर हुआ था। ओके, उसके बाद उसका इंटरव्यू भी था, बट इसका जो वर्कशॉप है और उसका इंटरव्यू सेम डे लाए करा, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि NSD का कोर्स इज अ स्कॉलरशिप बेस्ड कोर्स, तो यहाँ पैसा नहीं लगना था और ये स्कॉलरशिप मिलनी थी, और फिर भी आपको आपका कोर एरिया मिल रहा है एक्टिंग। हाँ, एंड मैं उस समय तक डिसाइड भी नहीं किया था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर डिजाइन एंड डायरेक्शन लूंगा। सो आई वाज स्टिल डिसाइडिंग ऑन इट, तो वहाँ पर, और ऊपर से एक चीज और थी, मुझे पर्सनली, मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि मुझे बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। दिस वॉज अ लॉन्गर कोर्स, दिस वॉज अ 3 year कोर्स, वो 2 year वाले कोर्स में हुआ था, वहाँ पर अगर 3 year वाला कोर्स होता तो शायद मैं उसको भी और कंसिडर करता, बट ये एक पॉइंट था कि वो 2 year वाला कोर्स है और ये 3 year वाला कोर्स है, तो मुझे चाहिए थी ट्रेनिंग, और मुझे लगा कि किसी को पकड़ के ना मुझे मारने की ज़रूरत है, कोई मुझे मरोड़ के खींच तान के कुछ कर रहे भाई, तो मैं कुछ जीवन में कर पाऊँ, क्योंकि सीखना था, ये पता था सीखना था, और सीखने के लिए ये जगह मिली। थिएटर हम करते थे, थिएटर के बारे में हमें पता था, फिल्मों के बारे में इतना नहीं पता था। रिस्क दोनों तरफ था, क्योंकि सिलेक्शन अभी भी पूरी तरीके से हुआ नहीं था,
सो इन दोनों चीजों में जो मैंने रखा मद्देनजर तोल के देखा तो एनएसडी का पलटा थोड़ा भारी। हाँ, एनएसडी का मेरे फेवर में ज्यादा काम करता है वो, मैंने यहाँ जाके देखते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोस। आपने अभी कहा कि मुझे सिनेमेटोग्राफी मिला था एफटीआईआई में, लेकिन आप रिटन में, आपके पास दोनों ऑप्शन थे अगर आप जा सकते थे, लेकिन आपने एनएसडी में एक्टिंग चुन लिया, राइट? तो आपकी जो वाइफ है अभी वो सिनेमेटोग्राफर है, हाँ। तो ये महज इत्तफाक है, आपने सोचा जो पढ़ाई उस टाइम छूट गई थी उसे आप पूरी करूंगा? नहीं। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन तो था फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी से। अट्रैक्शन क्या, भाभी जी से सिनेमेटोग्राफी से? उनसे भी हुआ, दोनों से दोनों से हुआ, उनसे अलग पर्सपेक्टिव से हुआ। एंड कैमरा सिनेमेटोग्राफी, विजुअली चीज़ों को देखना, क्योंकि एक्टिंग भी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आप विजुअली दिमागी तौर पे चीज़ों को देखते हो, और कैमरा भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, फ्रेमिंग, बहुत विजुअली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत पर्सनली अट्रैक्ट करती थी। अब जब भी मैं कोई एक्ट भी करता हूँ तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ, या दिखेगा आपको मेरे काम में, कि कभी ना कभी ना थोड़े थोड़े मेटाफर्स होते हैं कि विजुअली किसी तरीके का कोई विजुअल मेमोरी, कोई स्टाइल, कुछ एक क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो एक विजुअल मेमोरी आपकी बने। अच्छी एक्टिंग विद इंटरेस्ट, मतलब मुद्दा तो यही है जी। क्योंकि अच्छे एक्टर्स बहुत हो जाते हैं, अच्छे और इंटरेस्टिंग एक्टर कम कम है। तो आप अच्छा और इंटरेस्टिंग इकट्ठे कर पाए तो नथिंग लाइक इट। बहुत बढ़िया, ये नवाज भाई ने कहा था मुझे। हाँ। एक छोटा सा मूवमेंट है, उसके बाद ऑडियंस का सवाल, फिर अपना। ठीक है सर, ठीक है। आपको वन वर्ड में भी दे सकते हैं और एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ। तापसी पन्नू, फ्रेंडली, बढ़िया फ्रेंड, पता नहीं मुझे बहुत पसंद है, क्रश जैसी है मेरे लिए। बहुत एनर्जेटिक है एंड बहुत क्यूट तो है ना, बहुत दोस्तों की तरह बात करते हैं। मिलवा दोगे कभी? मतलब अगर फ्रेंडली है तो। फ्रेंडली तो है। राजकुमार हिरानी, वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिबल। एस आर के, ह्यूमिलिटी, हम्बल, लव, हम्बल लव। अक्षय कुमार, विटी, जोक्स। और नवाज भाई, संजीदगी। अच्छा, लेकिन विक्रम भाई आपको पता है वो मेरे होम टाउन के ही। अच्छा, मैं हूँ नवाज भाई। हाँ, क्या बात है। बस वो शहर से उस तरफ रहते हैं, मैं इस तरफ रहता हूँ। सही है। हाँ, मतलब ये कैसे, बताइए कुछ। मतलब मुजफ्फरनगर में एक दो पार्ट है, एक बुढ़ाना साइड जहाँ के वो है नहर एक, और उसके दूसरी तरफ मैं हूँ। मतलब थोड़ा दूर है, तहसील हमारी अलग अलग है, एक ही जिला है। एक बार मैं उनसे मिला भी था, तो मैंने कहा नवाज भाई, वो कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वो ये टीकू वर्सेस शेरू कौन सी फिल्म आई थी, तो मैं गया। अब वो कॉस्ट्यूम में थे तो वो मुझे किसी ने मिलाया, डायरेक्टर से मिलाया, तो डायरेक्टर के बाद में नवाज भाई से मिला। मैंने कहा नमस्ते सर, मेरा नाम रघुवर है, मैं तेरे को जानता है, मैं तेरा वीडियो देखा। तो मैं तो एकदम से ऐसे हो गया, मैंने कहा अब वो नाम नहीं जानते, अब वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, अच्छा ये तेरे को जानता हूँ, मैं तेरा वीडियो देख रहा है, अब मैं चेंज करके आता, अभी तो रुक के इधर। मुझे लगा धमकी दे रहे यार, ये बात कर रहे हैं, फिर मैंने टीम में ले क्या करता रहे तू। मैंने कहा अभी तो कुछ नहीं कर रहा, मैं मुंबई आया था, चल चाय पीता, चाय पी, फिर वो अपनी गाड़ी में चल, मैं चलता हूँ फोटो वोटो खिंचा ले। तो फोटो वोटो खिंचाया उन्होंने आके, बड़े हम्बल तरीके से बात, और वो देसीपन है उनमें, बहुत देसीपन, वो देसीपन है वो। मेरा तो मन करता अपनी मुजफ्फरनगर वाली भाषा में उनसे बात करूँ मैं। ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहेगा भाई बंधु? हेलो सर, मैं शायस्ता हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि हर एक्टर, और स्पेशली वो जब कोई स्कूल से पढ़कर या पूरी तरह से तैयार होकर आता है, तो उसको जब स्क्रिप्ट मिलती है तो उसका अपना एक थॉट चलता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है और इसको हम इस तरह परफॉर्म करेंगे। पर वो एक समय पे जब दो या तीन अलग अलग तरह के डायरेक्टर के साथ काम करता है और उसको स्क्रिप्ट मिलता है, और उस टाइम पे वो अपने कैरेक्टर को छोड़कर जब डायरेक्टर बोलता है कि नहीं इसको मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर में आपको प्ले करना है, सो वो कितना चैलेंजिंग होता है और उसको किस तरह से करना बेहतर होता है? क्या अपने आप को उस समय ज़ीरो करना चाहिए, या फिर हम अपने आप को इन्वॉल्व करके डायरेक्टर की सोच को समझ के कॉम्बाइन करना चाहिए? देखिए, फिल्म, मुझे लगता है फिल्म जो है वो एक डायरेक्टर मीडियम है, एंड ऑफकोर्स एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आपके सवाल होंगे। अगर आप किसी चीज़ पे आपको लगता है कि ये जो डायरेक्टर बोल रहे हैं ये आपकी आपकी समझ के हिसाब से वो अलग बात है, और आप कुछ और समझें उस बात पे, तो उस बात पे आप दोनों बात करेंगे। बात करने के बाद किसी एक म्यूचुअल कंसेंट पे तो आएंगे। सो एक वो म्यूचुअल कंसेंट पे लॉजिकली आना बहुत ज़रूरी है,
तो डायलॉग होना बहुत ज़रूरी होगा डायरेक्टर के साथ, एंड जब दोनों उन चीज़ों को समझ जाएं और दोनों उस पैरेलल पे आ जाएं जहाँ पर आप अपनी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, समटाइम्स आप सही होंगे, समटाइम्स वो भी सही होंगे। कभी कभार आपको अपनी कैपेबिलिटी या कभी कभार आप अपने विजन में भी स्टकअप रहते हैं, और ये डायरेक्टर के साथ भी हो सकता है। तो कभी कभार एक्टर उस विजन को खोलता है और कभी कभार डायरेक्टर एक्टर के विजन को खोलता है। सो लॉट ऑफ टाइम्स मेरे साथ दोनों चीज़ें हुई हैं कि समटाइम्स डायरेक्टर हैज़ टोल्ड मी कि ऐसा करो, समटाइम्स आई हैव टोल्ड द डायरेक्टर कि मुझे ये करने दो बिकॉज कैरेक्टर इस तरीके का डिज़ाइन किया है मैंने, सो आप एक बार ये भी देख लो। फिल्म में देर आर ऑलवेज ऑप्शंस ऑफ शोइंग थिंग्स, एंड थिएटर में भी वो है, लेकिन थिएटर में हम प्री डिसाइड करके किसी एक ऑप्शन पे जाते हैं। फिल्म में आप वो वाला चीज़ भी करके दिखा दो, दूसरी चीज़ भी करके दिखा दो, तीसरी चीज़ भी करके दिखा दो, या फिर जनरली डायरेक्टर्स यहाँ पर जब आप काम करते हैं जैसे डंकी में भी जी। तो राजू सर वुड से कि दैट आई वॉन्ट यू टू डू दिस, तो उनका लॉजिक है, उस लॉजिक को मुझे समझना बहुत ज़रूरी है तभी तो मैं कर पाऊँगा। बिना लॉजिक के कुछ कर दूंगा तो उसका और छोर नहीं पता लगेगा। सो आई विल डू अ थिंग विद हिज लॉजिक, एंड आफ्टर दैट आई वुड ऑल्सो आस्क हिम कि कैन आई डू समथिंग विद माई लॉजिक ऑल्सो, क्या आप मेरा टेक भी देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ें होंगी। बट मोर ऑर लेस इस शिप का कैप्टन डायरेक्टर होता है, एक्टर नहीं। तभी मैं एक्टर को कहता हूँ कि एक्टर कारपेंटर है, डिजाइनर नहीं। अच्छा तो विक्रम भाई ये ऑडियंस के सवाल थे, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। आपको कैसा लगा बातचीत? मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड विवोर थैंक यू कि तुमने यहाँ बुलाया, मैंने समय भी बहुत समय बात दिया। मैं तो सर इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ आपसे, आप ये मत कीजिए। लेकिन हाँ आई मिस्ड इट, मैं पहले आता तो और भी मजे आते। कोई बात नहीं सर, हम दोबारा तिबारा चौथी बार मिलते रहेंगे जरूर। गेस्ट हाउस विभोर चौधरी को प्लीज सब्सक्राइब करें, इट्स एन अमेजिंग शो, ही इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी, बहुत विटी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हैं, बड़े पेचीदा फंसाने वाले सवाल भी पूछते हैं तो पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ता है आपको, बट हाँ बहुत मज़ा आया इनसे बात करने में। एंड मैंने किसी और पॉडकास्ट पे या किसी और इंटरव्यू में इतने इंटरेस्टिंग सवालों को फेस नहीं किया, सो इट वाज रियली फन वर्किंग विद यू बिफोर, एंड बहुत मजा आया। आई होप हम लोग बाहर चाय पे मिलते हैं बाहर चाय पे मिलते हैं, और जो हमारी जहां से बात शुरू हुई थी नॉन स्टॉप धमाल, जिस फिल्म में हम साथ नहीं आ सके, कोशिश करेंगे चाय पे भी मिले, किसी फिल्म में भी मिले जरूर, ठीक है ना, काम जरूर करेंगे। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे विक्रम कोचर साहब, और इनकी पर्सनालिटी देखिए, इन्होंने बहुत नाम कमा लिया, लेकिन कभी कभी मैं इनको देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जवानी में कमल हसन साहब ऐसे ही होंगे आप लगते हैं कॉम्प्लीमेंट बड़ा पा रहा है, देखो सफेद हो गया। अरे कोई नहीं, आप मेरे ख्याल से एक्टर, आप दिल से जवान इतने हैं ना और आप बहुत बहुत बढ़िया आदमी है विक्रम भाई, बहुत मजा आया आपसे, दूसरी बार मिला हूँ मैं बस एक शिकायत है आपसे, मैं वहां पूछ रहा हूँ, आप मैसेज का जवाब नहीं देते, कॉल का जवाब दे देते हैं, ये क्या कर रहे हैं? नहीं दरअसल क्या है कि ये आजकल बहुत प्रॉपर्टी डीलर्स और ये सब चीजें इतने मैसेज भर जाते हैं, सडनली आप जब स्क्रॉल करते हैं रात को बैठ के, तो आपको लगता है अरे ओ शिट इस मैसेज का भी रिप्लाई देना था, ओ शिट ये कौन है, कहाँ से आया, क्योंकि इर्द गिर्द ये बहुत सारे मैसेज, सॉरी आई एम सेइंग दैट, बट क्या प्रॉपर्टी डीलर वालों के मैसेज, अरे पता चल गया विक्रम कोचर ने पैसे कमा लिए आजकल, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, पूरा बॉम्बे खुदा पड़ा है। So, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है यार, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ वो भी बिल्डिंग गिरने वाली है। अच्छा मतलब तोड़ रहे हैं, गिरने वाले नहीं, तोड़ रहे हैं। सॉरी गिरने वाली तो अलग हो जाएगी। तो विक्रम भाई बहुत मजा आया, और आने वाली फिल्मों के लिए, आने वाले प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, और उम्मीद है हम ऐसे ही मिलेंगे मस्ती में। ऑफ कोर्स एक बार विक्रम कोचर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए समय निकाल के बारिश के मौसम में, थैंक यू सो मच, और मेरा नाम विभोर चौधरी है, देखते रहिए गेस्ट हाउस।